कहते हैं अगर आपको झुकना आता है तो आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हो। लेकिन मैं जहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ भी रिश्ता निभाने के लिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसको निभाने के लिए अगर दोनों ही एक दूसरे के अकड़ में रहेंगे तो कभी भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। वो कभी ना कभी टूटेगा, आज टूटे चाहे कल टूटे। भी झुकना, कब हम झुके, कब उसको झुकना चाहिए, कब हमें झुकना चाहिए। देखो, अगर आपके झुकने पे आपका रिश्ता बचता है तो झुक जाओ, लेकिन झुको तब, तब तक आप झुकते रहो जब तक सामने वाले को आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी कदर करता है, हाँ मेरा रिश्ता निभाने के लिए बंदा झुका है या ये बंदी झुकी है, जब तक वो आपकी रिस्पेक्ट करता है तब तक झुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके झुकने पर भी उसके साथ उसके पास से यार रिस्पेक्ट नहीं आ रही, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, उल्टा मतलब अपनी ईगो अप कर रही है, मैं सही थी इसलिए साला ये झुका है, तो समझो आप धोखे में हो, आप चूतिया बनने जा रहे हो। लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करना, ठीक है? सामने वाला आपको फुद्दू समझने लग जाता है, अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट, जब तक आपकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं आपको पता ना, आपकी साला कोई दुनिया में, कोई भी दुनिया में आपकी इज्जत नहीं करेगा। उतना झुको जितना थ्राइज है, जितना लिमिटेशन है, पानी पीने की, खाने की, हर काम की एक लिमिटेशन है, उतना ही झुकना चाहिए, ना कि हर जगह झुक जाओ, हर जगह झुक जाओ, झुक जाओ। मानता हूँ अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके झुकने की कदर करता है, उसको पता है भी इसकी गलती नहीं भी थी फिर भी ये झुका है, वो आपकी उसके बदले में आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो मैं वादा करता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम रिश्ता निभाने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन सामने वाले की ईगो अप हो जाती है, वो समझते हैं पता नहीं इसी में कोई कमी होगी, तभी तो साथ झुका है, अपने आप में उसमें घमंड आना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, आज आप झुक रहे हो ना, सामने से रिस्पेक्ट मिल रही है तो अच्छा है, आपका रिश्ता कोई दुनिया में तोड़ नहीं सकता। अगर आप झुक रहे हो, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो किसी दिन वो आपके सिर पे बैठ जाएगी, या बैठ जाएगा, या बैठ जाएगी। मेरी बात को नोट कर लेना दोस्त।